सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे प्रेरितों का काम उसका दसवां अध्याय और इस दसवें अध्याय में हम देखेंगे कुरनेलियुस को पत्रस को बुलाना और साथ ही हम देखेंगे पत्रस का दर्शन और निकुलियुस के घर में पत्रस और इसके साथ साथ देखेंगे पत्रस का उपदेश और इस अध्याय के अंत में हम देखेंगे अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतरना। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं प्रेरितों का काम उसका दसवां अध्याय कुरनेलियुस का पत्रस को बुलवाना। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालवी नामक पलटन का सूबेदार था। यह तो हम देखेंगे कैसरिया एक प्रदेश है जो देश था उसके अंदर एक सूबेदार था, उसने है पत्रस को बुलाने के लिए एक मैसेज तैयार किया। वह भगत था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। तो ये जो सूबेदार था ये परमेश्वर का बहुत बड़ा भगत था और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला था और परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, हमेशा प्रार्थना करने वाला नूह की तरह एक व्यक्ति था ये और बहुत ही दान पुण्य करने वाला व्यक्ति और मसीह कलीसियाओं से प्यार करने वाला व्यक्ति था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। तो उसने वो एक दर्शन पाता है ये सूबेदार दिन के तीसरे पहर में और उस दर्शन में क्या देखता है कि एक स्वर्गदूत है और वो आकर स्वर्गदूत उससे कह रहा है हे कुरनेलियुस। तो उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा हे प्रभु क्या है। तो उस स्वर्गदूत ने कुरनेलियुस से कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। दोबारा सुने तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। ऐसे ही जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले होते हैं उन पर चलने वाले होते हैं और जब निरंतर प्रार्थनाएं हम करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो हमारी सभी प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर के पास सामने पहुंचती है और परमेश्वर उनको स्मरण करता है और उनके ऊपर उचित है निर्णय करता है जो कि हमारे हक में होता है। और अब याफा में मनुष्य भेजकर सिमोन को जो पत्रस कहलाता है बुलवा ले। तो उस पवित्र आत्मा ने उस दूत ने इस सूबेदार को ये बताया कि वो है पत्रस को अपने पास बुला ले। वह सिमोन चमड़े का धंधा करने वाले का अतिथि है। तो इसने बताया कि एक चमड़े का काम करने वाले के घर में कुछ दिनों से पत्रस रुका हुआ है तो उसको अपने पास बुला। इस सूबेदार को पवित्र आत्मा ने कहा या स्वर्गदूत लगा लो आप, उसने कहा जिसका घर समुद्र के किनारे पर है और इस चमड़े का काम करने वाले का घर जो है समुद्र के किनारे है, यहाँ पत्रस आजकल मेहमान की तरह रह रहा है, तुम उसको अपने पास बुला लो। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की चला गया तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भगत सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा जाने के लिए भेज दिया। पत्रस का दर्शन। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पत्रस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। दोपहर के समय जब पत्रस प्रार्थना करने के लिए चढ़ा तो वो जो बंदे थे जो सूबेदार के बंदे थे वो पत्रस को बुलाने के लिए आए थे। जैसा कि पत्रस ने पाया था पवित्र आत्मा से, उसकी आज्ञा पाई थी स्वर्गदूत से कि पत्रस को बुला लाए, तो दो बंदे इसको बुलाने के लिए आते हैं और उस समय पत्रस से छत के ऊपर चढ़ रहा होता है प्रार्थना करने के लिए। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। पत्रस को भूख लगी और कुछ खाना चाहता था परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। तो पत्रस को भूख लगी और सब लोग है वो तैयारी कर रहे थे खाने पीने की बनाने की और प्रार्थना करने की। तो उसी समय पत्रस बेसुध सा हो गया और उसने देखा कि एक बड़ा पात्र है वो आसमान से लटका हुआ उसके पास आता है और छत पर उतर रहा है जिसे पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले
जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पत्रस उठ मार और खा। परंतु पत्रस ने कहा, नहीं प्रभु कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। पत्रस है यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ही शाकाहारी व्यक्ति था और किसी प्रकार के मांस मिट्टी को नहीं खाता था, बल्कि मांस मिट्टी से बहुत दूर रहता था। लेकिन यहाँ पर उसे दर्शन मिला, उसमें इसे बहुत सारे जीव जंतु और कीड़े मकोड़े और ये दिखाकर कहा गया कि तुझे भूख लगी है तो इसको मार के खा ले। लेकिन पत्रस ने कहा कि नहीं जी, मैं तो शाकाहारी आदमी हूँ, मैं ये कहा मांस मिट्टी खाऊंगा, मैंने तो आज तक ये कभी खाई नहीं है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। तो वो जो उसे शब्द सुनाई दिया, इस बार भविष्यवाणी हुई, उसमें कहा गया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहरा दिया इसको तू अशुद्ध मत कह। तीन बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। तीन बार उससे उसको कहा गया कि तू इसको मार के खा ले, लेकिन पत्रस ने कहा नहीं जी, ये काम मेरे से नहीं होगा, मैं तो प्योर वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी हूँ, मेरे से मांस मिट्टी नहीं खाई जाओगी। और 17वीं आयत में हम देखते हैं, जब पत्रस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा हुआ है क्या हो सकता है, तो इस घटना के बाद पत्रस चिंता में पड़ गया कि मैंने क्या देखा था थोड़ी देर पहला, बड़ी ही अजीब घटना मेरे साथ घटित हुई है। तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुर्नेलियुस ने भेजा था समोन के घर का पता लगाकर द्वार पर खड़े हुए, और वो व्यक्ति जो पत्रस को बुलाने आए थे वो बिल्कुल पत्रस के घर के सामने, जहां पत्रस रहता था उसके द्वार के सामने खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या समोन जो पत्रस कहलाता यही अतिथि है क्या? पत्रस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख तीन मनुष्य तेरी खोज में हैं। तो उसी समय पत्रस को एक स्वर्गदूत ने लगा लो या पवित्र आत्मा ने लगा लो बताया कि तीन मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उन्हें भेजा है। तो यहाँ पर स्वर्गदूत कहता है कि तू निश्चिंत रूप से उनके निश्चिंत होकर उनके पीछे हो ले, क्योंकि मैंने ही उन्हें भेजा है। तब पत्रस ने उतर कर उन मनुष्य से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूं, तुम्हारे आने का क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, कुर्नेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहनाई की, उनको चाय पानी पिलाया और कुर्नेलियुस के घर इसके बाद पत्रस जाते हैं। ये हम विवरण पढ़ते हैं 25वीं आयत से। दूसरे दिन वह उनके साथ गया। एक रात है वो मेहमान जो पत्रस को लेने आए थे वहीं ठहरे रहे। अगले दिन है पत्रस उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए, और याफा नगर में से कुछ जो मसीह लोग थे वे भी पत्रस के साथ हो लिए थे। दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कुर्नेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था, और कुर्नेलियुस है वो अकेला नहीं उसका इंतजार कर रहा था, बल्कि उसके इंतजार में पत्रस के इंतजार में पलके बिछाए उसने पूरे घर परिवार और पूरे कुटुंब को इकट्ठा कर लिया था कि देखो एक परमेश्वर का पवित्र जन है वो यहाँ पर आने वाला है। जब पत्रस भीतर आ रहा था तो कुर्नेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। तो पत्रस का स्वागत उसने पांव छूकर किया, उसके पांव में गिरकर किया, परंतु पत्रस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो मैं भी तो मनुष्य हूँ। पत्रस बोला, भाई मेरे पैर क्यों पकड़े, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी तो आदमी हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों ने इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं। यहाँ पर पत्रस बहुत सारे लोगों को देखकर कहता है कि देखो जी ऐसा नियम है, ऐसा सिस्टम है कि यहूदी है वो किसी दूसरे के घर में नहीं जा सकते, किसी दूसरों के घरों में जाकर अन्य जाति वालों के घर में उपदेश नहीं दे सकते, और यदि वे ऐसा करते हैं तो ये एक प्रकार का अधर्म माना जाता है। लेकिन थोड़ी देर पहले पत्रस ने मुझे दर्शन देकर कहा कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है
उसे मनुष्य है वो अशुद्ध न कहें और मैं भी उसको अशुद्ध न कहूं। परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि अन्य जाति वाले लोगों को मैं सुसमाचार सुनाऊं। तो यहां पर हमने जो थोड़ी देर पहले बताया था कि पतरस ने एक दर्शन पाया जिसके अंदर की बताया गया था कि ये जो इसके अंदर जो ये जो कीड़े मकोड़े और जो ये मांस मीठे इसको मार के खा ले इन पक्षियों को। पतरस ने कहा था कि जी नहीं, मैं तो शाकाहारी हूं, मैं इनको कैसे खा सकता हूं। तो इस बात को बहुत सारे लोग है वो इसलिए यूज करते हैं कि मांस मीठी खाते समय ये कहते हैं जी देखो जी बाइबल में ऐसा लिखा है कि जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहरा है उसको अशुद्ध ना ठहरा। जबकि यहाँ पर पतरस खुद कहता है कि ये दर्शन दिखाने का उद्देश्य परमेश्वर का ये था कि उसकी नजर में सब मनुष्य है वो एक जैसे हैं और जो पवित्र है वो किसी भी जाति से हो सकता है। इसलिए किसी को हम इस कारण से परमेश्वर का वचन सुनाने से अब मना नहीं कर सकते कि वो नीची जाति का है, ऊंची जाति का है, यहूदी है, मद्रासी है, या पाकिस्तानी है, या हिंदू है, या ईसाई है, या सिख है, यानी हर प्रकार के लोगों को परमेश्वर यहाँ पर वचन सुनाने के लिए हमें आज्ञा देता है। न कि यहाँ पर इसका उद्देश्य यह था कि तुम कुछ भी मांस मिट्टी है वो खाओ। पुराने जमाने में इसलिए लोग है मांसाहारी थे क्योंकि उस समय अन्न ही इतना उत्पन्न नहीं हो सकता होता था। अब जबकि अन्न है वो भरपूर मात्रा में उपस्थित है, उपलब्ध है, तो क्यों हम अपना पेट भरने के लिए किसी दूसरे जीव की हत्या करें? ऐसा मेरा मानना है क्योंकि मैं भी एक शाकाहारी इंसान हूँ। 29वीं आयत में कहते हैं इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। तो परमेश्वर ने जब मुझे ये आज्ञा दी, आप लोगों ने मुझे बुलाया, तो मैंने कोई पूछताछ नहीं की और ये जानते हुए कि आप अन्य जाति वाले हो तुम्हारे पास हूँ, परमेश्वर की आज्ञा मानकर तुम्हारे पास आ गया हूँ। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया, लेकिन उस समय तो नहीं पूछा कि मुझे क्यों बुलाया है, लेकिन अब मैं पूछता हूँ कि क्यों बुलाया है। तो 30वीं आयत में कुर्नेलियुस ने कहा इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था तो देखो एक मनुष्य चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा हे कुर्नेलियुस तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने समर्पण को किए गए हैं। तो यहाँ पर कुर्नेलियुस बताता है कि आपको क्यों बुलाया गया है, क्योंकि उसने एक दर्शन पाया और उस दर्शन में मुझे बताया गया था कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है और तेरे जो जो दान है वो परमेश्वर के सामने समर्पण के लिए उपस्थित हुए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलाला और वहां उसी स्वर्गदूत ने मुझे आज्ञा दी कि याफा में आप हो और वहां पर मैं किसी को भेजकर तुझे बुलाला हूं। वह समुद्र के किनारे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले घर में अतिथि है और उसी पवित्र आत्मा ने हमें बताया कि आप एक चमड़े का धंधा करने वालों के घर में निवास कर रहे हो, आजकल अतिथि हो। तब मैंने तुरंत तेरे पास कुछ लोग भेजे और तुझे भला और तूने भला किया जो आप आ गए। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुन सके। तो पतरस यहाँ पर अपना उपदेश देते हैं, ये उपदेश हमें मिल जाता है 34वीं आयत से। हम पढ़ रहे हैं प्रेरितों का कार्य उसका 10वां अध्याय की 34वीं आयत। तब पतरस ने कहा अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता वरन हर जाति में जो उसे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। तो यहाँ पर बताया परमेश्वर ने की नजर में परमेश्वर के बारे में पतरस कहता है कि वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता और जो उसे डरता और धर्म के काम करता है परमेश्वर को वो लोग भाता है। फिर चाहे वो मोटा हो, काला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर दिलों को मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और उसकी दृष्टि मनुष्य के जैसी नहीं है। जो वचन उसने इसराइलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का समाचार सुनाया, शांति का सुसमाचार सुनाया, यह वचन तुम जानते हो जो यहूदा के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। तो यहाँ पर पत्रस अपना भाषण जारी रखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने
लोगों के लिए, दुखी पीड़ित मनुष्य के लिए क्या क्या काम किए हैं उसके बारे में यहाँ सब लोग जो इकट्ठे हुए थे उनको बताते हैं, और आगे पत्रस बता रहे हैं हम उन सब कामों के गवाह है जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटका कर मार डाला। पत्रस बोले हम हैं यीशु मसीह के साथ ही रहे पूरी जिंदगी, और हमें पता है कि उसने कितने भले भले काम किए, लेकिन लोगों ने उसको अंत में सूली पर चढ़ा दिया। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को तीसरे दिन जिंदा कर दिया और प्रकट भी कर दिया, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर जिन्होंने उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। पतरस बोला भाई मैं भी उनमें से एक हूँ जिन्होंने कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया था और उसके तीसरे दिन बाद वो जिंदा हो गया था और 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर हमारे साथ ही रहा था, और मैंने और हमने परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ खाया पिया था, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे में से न्यायी ठहराया है, और यीशु मसीह ने हमें गवाही देने के लिए और सब लोगों को सुसमाचार प्रसार का सुनाने के लिए हमें आप लोगों के पास भेजा है कि सबको बताएं कि यीशु ही मसीह है, परमेश्वर का बेटा है। उसकी सब भविष्य वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा किया जाएगा। तो यहाँ पर पत्रस बताते हैं कि जो भी लोग है वो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो यीशु मसीह के नाम की वजह से उसके सब पाप है वो क्षमा कर दिए जाएंगे। और 44वीं आयत से हम देखते हैं अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतरना। पत्रस ये बातें कह रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर गया, और परमेश्वर अपना ये भाषण दे रहा था कि उसी समय है सब लोगों पर जो इस भाषण को सुन रहे थे, इन वचनों को सुन रहे थे, पवित्र आत्मा सब पर उतर गया, और जितने खतना की वे विश्वासी पत्रस के साथ आए थे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, और जो लोग पत्रस के साथ आए थे वे हैरान रह गए कि पवित्र आत्मा है वो अन्य जाति के लोगों पर भी उतराया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पत्रस ने कहा क्या कोई जल की धारा को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है, और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। तो जिन जो लोग यहाँ पर भाषण सुन रहे थे, ये जो वचन सुन रहे थे परमेश्वर, पत्रस ने कहा कि इन सब लोगों को बपतिस्मा दिया जाए, और इन बातों के बाद उन लोगों ने पत्रस से रिक्वेस्ट की कि वो कुछ दिन और उनके पास रहे और उन्हें परमेश्वर के नाम की महिमा के बारे में बताते रहें। आज का ये अध्याय यही कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रेरितों का काम उसका 10-11वां अध्याय, और इस 11वें अध्याय में हम देखेंगे पत्रस द्वारा अपने कार्य का स्पष्टीकरण और अंताकियों की कलीसिया भी हम अगले अध्याय में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, शांति दे, सबको जय मसीह।